जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो धन से सीधा संबंध रखता है। आप सबके जीवन में समय ऐसा आ जाता है कभी कभी कि आपका जो परिवार है वो तो ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि धन का अभाव तो है, लेकिन खाने की समस्या, पहनने की समस्या नहीं है, या कह सकते हैं कि एवरेज या बिलो एवरेज चल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें नहीं है या बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि धन की दृष्टि से समय बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज चल रहा है, और जब घर में चीजों की पूर्ति हम ना कर पाए, यानी कि जैसा चल रहा है जितनी चीजें घर में हैं उनका प्रयोग करके तो जीवन ठीक है, लेकिन यदि कोई चीज हमें लेनी है नई तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि धन का अभाव है। कोई भी डिमांड की जा रही है किसी की, नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब धन का अभाव है। ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो इससे संबंधित मैं एक उपाय लेके आया हूं जो आपको करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे उपाय की जो आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में धन से संबंधित या धन के अभाव को समाप्त करता है, या आप कह सकते हैं कि धन संबंधी जो समस्या बड़े लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही थी उसको समाप्त करता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें, हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धन अभाव की। पत्नी ने कोई भी डिमांड किया, आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता ने कुछ भी मंगाया है या उनकी दवा आनी है समय पर नहीं आ पा रही, या उनके लिए कोई ऐसे टेस्ट बताए हैं डॉक्टर ने जो समय पर नहीं हो पा रहे, यानी कि जरूरत है लेकिन अभाव है, नहीं करवा पा रहे हम। बच्चों की कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं ला पा रहे, बच्चों ने कुछ मांगा है आपसे बहुत दिन बाद लेकिन फिर भी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस तो जमा हो रही है लेकिन समय पर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म तो ला रहे हैं आप लेकिन वो भी समय पर नहीं आ रही है, यानी कि उसको डिले करना पड़ रहा है, उसको टालना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं, इसको धन का अभाव कहा जाता है, यानी कि धन संबंधी समस्या सीधे सीधे आपके जीवन में हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने परेशान हैं कि आपको खाने की भी परेशानी हो रही है, आपको पहनने की परेशानी हो रही है, लेकिन आप बहुत मुश्किल आप अपने खाने का जुगाड़ कर पा रहे हैं लेकिन जीवन में जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। इसका मतलब धन अभाव क्यों है और इसका क्या साधारण सा उपाय है। आपको एक बड़ा साधारण सा उपाय करना चाहिए जिसको करने से आपके जीवन में इस प्रकार जो धन का अभाव हो रहा है, या अपने जीवन में, अपने परिवार की, अपने जीवन में अपने बच्चों की, या अपनी पत्नी की, या अपने सगे संबंधी जितने भी आप जिनके ऊपर जो डिपेंड हैं, यानी कि आप जिनके ऊपर आश्रित हैं या आपके ऊपर जो आश्रित हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो पूरी नहीं कर पा रहे आपकी डिमांड को, तो आप समझ लीजिए कि धन का अभाव है। क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप दो इलायची ले लीजिए, इसको इलायची का उपाय कहते हैं। हरी इलायची जो छोटी आती है वो इलायची आपको लेनी है दो साबुत, और इलायची लेने के बाद आपको एक आलपिन लेनी है, जो आलपिन हम जनरली पेपर में लगाने के काम हम यूज लेते हैं। एक आलपिन, दो इलायची आपको चाहिए। आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करिए, आपको लाभ मिलेगा। उस पिन में एक एक करके दोनों इलायची को आपको डाल लेना है, यानी कि इलायची को आर पार निकालना है उसके जो आपने पिन लिया हुआ है, और दोनों इलायची को पिन में डालने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी तिजोरी में शुक्रवार के दिन स्थापित कर दीजिए, और किसी भी मां दुर्गा का या मां गौरी का या माता लक्ष्मी या महालक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र इस कार्य को करते समय आप 11 बार 21 बार करेंगे और अपनी मनोकामना के साथ तिजोरी में स्थापित करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन अभाव या धन से संबंधित समस्या हो रही थी वो धीमे 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 समाप्त होने लगेगी। आप अपने परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाएंगे, या आप कह सकते हैं कि इस उपाय से आपके जीवन में धन अभाव जो हो रहा था वो समाप्त होने लगेगा। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।